18वें लोकसभा के स्पीकर पद के लिए आज होगा चुनाव। एनडीए के ओम बिरला का स्पीकर बनना लगभग तय। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया दाखिल। एनडीए ने अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी सांसद ओम बिरला को मैदान में उतारा। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। कांग्रेस महासचिव ने दी जानकारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने पर बोले पार्टी सांसद इमरान मसूद। कहा, पहले दिन से ही मेरी इच्छा थी कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। वे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज है। केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज। जेल में ही बंद रहेंगे केजरीवाल। सीबीआई ने तिहाड़ में केजरीवाल से की पूछताछ। आज ट्रायल कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तारी संभव। ईडी केस में पहले से जेल में बंद है दिल्ली सीएम। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम विष्णुदेव साय। केंद्रीय गृह मंत्री से भी की मुलाकात। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी अमित शाह से की चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेटा से उद्योग भवन में की भेंट। भोपाल में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। अब सरकार नहीं मंत्री भरेंगे इनकम टैक्स। कृषि की पढ़ाई कर चुके छात्रों को सॉइल टेस्ट करने की दी अनुमति। एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। शहीदों के माता पिता को भी मिलेगी आर्थिक सहायता। 50% राशि ही पत्नी को मिलेगी। शिवपुरी में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आभार सभा में आंधी तूफान से टेंट गिरने से मचा हड़कंप। अमरवाड़ा उपचुनाव में चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस। दो दिन के अमरवाड़ा दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन ब्लॉक में करेंगे प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार। गुना में बीजेपी की चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना के देवर अनिरुद्ध मीना और एक अज्ञात पर मामला हुआ दर्ज। युवक को बंधक बनाने का लगा है आरोप। देवास स्वास्थ्य विभाग में हुए 4,26,69,000 रुपए के भ्रष्टाचार की जांच पूरी होने के बाद में 9 लोगों पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज। छिंदवाड़ा में 3 तलाक की वजह का अजीबोगरीब मामला आया सामने। पत्नी ने अपने सरकारी कर्मचारी पति पर लगाया आरोप। बीजेपी को वोट दिया है, इस बात से नाराज होकर पति ने तलाक दे दिया। सीधी में दबंगों ने गरीबों का उजाड़ा आशियाना। डीजे प्लाजा का निर्माण करने वाले लोगों ने महिला के मकान पर चलाया बुलडोजर। मुख दर्शक बना रहा प्रशासन। राजनांदगांव में अर्बन नक्सलियों का खुलासा। पुलिस ने माओवादियों के 4 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। ट्रैक्टर भी किया गया जब्त। छत्तीसगढ़ में आज से खुले स्कूल। सरकार ने सभी छात्रों और अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। गर्मी के कारण 25 जून तक बढ़ाई गई थी छुट्टियां।